गाइस मेरा नाम है साहिल बताल और आज की शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज है अडानी ग्रुप की तो अडानी ग्रुप वालों ने क्लियर किया है कि भाई उनके पास में 30 महीने का कैश रिजर्व पड़ा है जो डेट पेमेंट उनको देनी है उसके लिए क्योंकि बहुत टाइम से कंसर्न्स चल रहे थे कि भाई उन्होंने इतना ज्यादा लोन ले रखा है कैसे चुकाएंगे कल को ये भी बगौड़े घोषित तो नहीं हो जाएंगे बट उन्होंने क्लियर कर दिया है उनके पास में कैश रिजर्व है और ये जो कैश बैलेंस है ये इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है ओवरऑल अगर अडानी के कैश बैलेंस की बात करके चले तो ग्रॉस डेट का इस टाइम पे ऑलमोस्ट

अडानी के भाई है उन्होंने एक अपनी शेल कंपनी बना रखी है बरमुडा के अंदर और वहां से पैसा घुमा फिरा के के अडानी फिरास को मेन्यूपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है बाकी अगर इसी महीने की बात करके चले तो फॉरन इन्वेस्टर्स ने इक्कीस करोड़ रुपया निकाल लिया है मार्केट से यहाँ पे ओवरऑल बात करके चल रहे हैं पिछले दो तीन महीने से हम देख रहे थे कॉन्स्टेंटली इनफ्लो रह रहा था कि भाई इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट हो रहा था इंडियन मार्केट के अंदर पहले उन्होंने जुलाई के महीने में बत्तीस करोड़ रुपया डाला जून के महीने में छब्बीस करोड़ रुपए

की होल्डिंग सिक्सटीन की है अभी के टाइम पे के टाइमोटर् होल्डिंग है और यहाँ शायद सही हो रही है अनिल अंबानी की फाइनेंशियल रिकवरी हो रही है अभी रिसेंटली देखा था हिंदुजा ग्रुप का जो आई एच है वो सेटल किया था इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने रिलायंस कैपिटल में डाली थी तो सारी चीजें बेटर होती हुई शायद दिखाई दे रही है होप फॉर द बेस्ट क्या बता अनिल अंबानी का आने वाला साल बहुत अच्छा जाए अगर मैं रिलायंस की ही बात करके चलूँ तो जियो सिनेमा और हॉटस्टर को मर्ज करने की यहाँ पे बात चल रही है मतलब एक ही एप बनाई जाएगी इसकी वजह से क्या होगा नंबर ऑफ जो कंटेंट ऑफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी खर्चे कम हो रीजनल कॉन्टेंट है स्टार तो इंडिया का या फिर वायान का उन चैनल्स को भी बंद करने की ताकि सीसीआई को यह ना लगे कि भाई बहुत कुछ किया जा रहा है। बाकी मुझे यह नहीं समझ में आ रहा किस को किल किया जाएगा क्योंकि

इसलिए शायद हो सकता है डाउनलोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पांच गुना से ज्यादा है डाउनलोड डिजनी प्लट हॉटस्टार के जियो के कंपैरिजन में अगर हम राखी सीजन की बात करके चले तो राखी के अंदर ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है सीएआईटी के थ्रू कि बारह हजार करोड़ तक का जो बिजनेस क्रिएट होगा मतलब इतना ज्यादा लोग खरीदेगे या बेचेंगे मतलब इतना ज्यादा लोग परचेज करेंगे ये बहुत बड़ा नंबर है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए दो के अंदर ये नंबर तीन करोड़ पे था दो के अंदर ये थर्टी करोड़ पे पहुंचा बीस के अंदर पांच करोड़ पे पहुंचा इक्कीस के अंदर छह करोड़ पे बाईस के अंदर सात करोड़ पे तेईस के अंदर दस करोड़ पे और अब हम देख रहे हैं 12000 करोड़ पे ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है मतलब राखी का अडॉप्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर हम कह सकते हैं राखी के अंदर जो गिफ्टिंग होती है उसका चलन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम ब्लिंकिट की बात करके चले तो उनके सीईओ ने बोला है 639 राखीस पर मिनट डिलीवर करी गई है इतनी ज्यादा डिमांड आई है राखी के अंदर तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने राखी कोई ऑफलाइन दुकान से ली थी या ऑनलाइन ली थी या फिर एक क्विक कॉमर्स से ली थी अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो उनका कहना है कि वो अपनी प्रोडक्ट लाइब्रेरी को दो गुना कर देंगे मतलब बीस हजार प्रोडक्ट्स पे ले जाएंगे जो कि पहले दस थे और यहाँ पे हम बात करें एक ही महीने के अंदर मतलब एक महीने के अंदर अंदर दस हज़ार प्रोडक्ट्स और ऐड करना नया कैटेगरी ऐड करना और यहाँ पे क्यों हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और ऐसा डेटा भी बता रहा है टीयर वन सिटीज के अंदर अभी के टाइम पे ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स दोनों एक जैसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है जो आपको ई कॉमर्स पर प्रोडक्ट मिलते हैं वही आपको क्विक कॉमर्स के प्रोडक्ट मिलने लग गए हैं आज आपको फ्रेज, व्रेज, सारी चीजें मिल जाती है कॉमर्स के ऊपर और यही शायद जैपटॉप प्लान करने वाला है अपनी इन्वेंट्री बढ़ा के अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो भाई आग लगा रखी है मुझे समझ में नहीं आ रहा बढ़ाई जा रही है कंपनी दस परसेंट का अपर सर्किट मार दिया है सिक्सटी फोर थाउजेंड करोड़ रुपए इनकी मार्केट कैप

आने वाले टाइम में इंडिया एक बड़ा प्लेयर निकल के आ सकता है ईवी के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए और स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स की अगर बात करी जाए तो तो टीवीएस के पास में अच्छा सिस्टम है उनके पास में टीवीएस की आईक्यूब भी है तो शायद ये उसी को एक्सपोर्ट के ऊपर नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा आपने लाइक का बटन नहीं दबाया बाकी अगर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो दस परसेंट का हमने डिस्काउंट निकाला है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंडल की जहां पे आपको एंड टू एंड सारे कोर्सेज मिलेंगे तो अगर आपका बिजनेस है अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो

विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी यूजेज इंप्रूव हो जाएगी और बहुत कुछ कर पाएंगे सिंपल सी बात भाई फ्लिपकार्ट से ही फोन पे निकल के आया था एंटिटी को अलग करने के बाद में वो देखो कितना एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दिया है शायद यही कोशिश अब एमेजॉन भी करने वाला है अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो हंड्रेड परसेंट एफडीआई अलाउ कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे सेवेंटी की थी उसको हंड्रेड परसेंट देके जाएंगे साथ में कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी जहां पे सीनियर मैनेजमेंट के रूल इंडियंस ही रखे अब उसको भी हटाने की बात कर करी जा रही है मतलब और पैसा आपको इंश्योरेंस सेक्टर में भी दिखाई देगा कुछ टाइम पहले खबरें ये भी निकल के आई थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटा दिया जाए अगर एफडीआई आती है साथ में रूल्स भी आते हैं तो भाई बहुत बड़ी गेम होने वाली है आपको बहुत सारी स्टार्टअप्स दिखाई देगी जो इंश्योरेंस टेक के अंदर घुसती हुई दिखाई देगी और जो एक्जिस्टिंग इंश्योरेंस टेक वाली कंपनीज होगी उनको दबा के फंडिंग मिलेगी बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने यूएस सिक्योरिटी होल्डिंग को बढ़ा दिया है 242 बिलियन डॉलर के ऊपर ले गए हैं जून दो के अंदर देखा जाए तो उस टाइम पे 235.4 बिलियन डॉलर था तो होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आइडिया के लिए आपको बता देता हूं टॉप होल्डर्स जापान और चाइना है जापान 1.1 ट्रिलियन डॉलर होल्ड करता है सिक्योरिटीज के अंदर यूएस वाली और चाइना 780.2 बिलियन डॉलर होल्ड करता है तो इंडिया के नंबर्स रिलेटिवली छोटे हैं। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो वो ब्राजील के अंदर अपना ऑफिस बंद कर रहे हैं ब्राजील के जो यूजर्स है वो यूज कर पाएंगे जो भी एक्स है बट अब टीम वहां पर काम नहीं करेगी बेसिकली ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक कर दो क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है वगैरह वगैरह अब एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनको धमकी भी दे दी गई कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो आप को हम जेल में डाल देंगे अरेस्ट कर लेंगे, लेंगे, ये कर गए, उन्होंने कहा भाई हमको अपने स्टाफ को बचाना है हम इस कंट्री के अंदर काम ही नहीं कर रहे भाई कंट्री की छोड़ दी बाकी आई ने एक डेटा निकाला है ये डरने वाली चीज है इंडिया को वन फोर्टी मिलियन ज्यादा जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी दो तक अगर हम बात करके चले और इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करके चल रहे हैं दो से सिक्स एवरेज बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें बट एम्प्लॉयमेंट रेट दो ही बढ़ती हुई दिखाई दी है मतलब बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो रहा है नौकरी के अंदर और पॉपुलेशन के अंदर तो अगर इंडिया ग्रो करना चाहता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा और लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी क्योंकि बहुत सारी खबरें तो निकल के आ रही है एफ डी इंप्रूव करने के लिए ये कर रहे हैं इसमें यह कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा किया जा रहा है यहाँ पे ये किया जा रहा है बट टाइम ही बताएगा 2030 तक एक्चुअली होगा क्या क्योंकि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस होता है बाकी फसाई ने 12% परसेंट इंडियन स्पाइसेस को फेल कर दिया अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही हांगकांग के अंदर एमडीएच और एवरेस्ट के ब्लेंड्स को रिजेक्ट किया गया था कहा गया था हाई पेस्टिसाइड्स इसके अंदर उसके बाद में एफएसएससीआई ने 4054 सैंपल्स कलेक्ट करे और उसको पैरामीटर्स पे अलग अलग जज किया गया जिसमें से फोर सेवेंटी फोर रिजेक्ट हुआ है भाई इसका मतलब जो आप यूज कर रहे हो मसाले वो भी खराब हो सकते हैं बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसे रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है हूं आपको मजा होगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट दे क्या वीडियो कैसी लगी बाय गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम